हेलो, वेलकम टू APS बिनागुड़ी। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करिए और उसमें वेबसाइट टाइप करिए www.apsdigicam.com। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा, इसमें आपको गो टू होम पेज पे क्लिक करना है। गो टू होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखता है, इसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखता है। इसके लिए आपको क्या करना है, राइट टॉप पे थ्री डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल्स में फिल करना है। यूजर नेम में आप अपने बच्चे का एडमिशन नंबर टाइप करें। पासवर्ड में स्मॉल लेटर में PASSWORD पासवर्ड टाइप करें। उसके बाद अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ टाइप करिए। सही सही टाइप करना है जो आपने स्कूल में रजिस्टर करवाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल में बिनागुड़ी टाइप करके APS बिनागुड़ी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे आपको कैप्चा दिखाई देता है, इसको सही सही तरीके से फिल करिए, जैसे कि KBGHY यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। अगर कैप्चा गलत आपने टाइप किया तो आपको इनवैलिड कैप्चा दिखेगा। उसके साइड में आपको रिफ्रेश का बटन है, इसमें क्लिक करिए, फिर से कैप्चा टाइप करिए। अभी देखिए DG2FB टाइप कर लीजिए। आप जब लॉगिन करेंगे आपको अलग कैप्चा दिखेगा। इसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखता है, इसमें पांचवे नंबर के ऑप्शन पर फी लिखा हुआ है, फी को सेलेक्ट कर लीजिए। फी पर टैप करने के बाद आपको माई ट्रांजेक्शन का स्क्रीन खुलेगा, इसमें आपको चेक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपके बच्चे का फी ड्यू है। अगर आपने पहले से पे किया हुआ है तो आपको ग्रीन कलर में सक्सेस दिखाई देगा, अगर नहीं किया है तो आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद का सारा ऑप्शन हमने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया है, आप उस वीडियो को आराम से देखें, पूरा का पूरा देखें और फी पे करें। थैंक यू।